बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको अल्ट्रा बिचुमन अमल्शन के बारे में बताएंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहर है, ये बिचुमन बेस एक प्रोडक्ट होती है जो कि वाटरप्रूफिंग के पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। ये एक सिंगल कंपोनेंट प्रोडक्ट है और ये मुख्तलिफ पैकिंग में अवेलेबल है। 15 kg में भी अवेलेबल है और 30 kg, 218 kg के ड्रम में भी अवेलेबल होती है। अल्ट्रा बिचुमन अमल्शन रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है। इससे पहले ये आप आम तरीके से जानते होंगे कि आम तौर पर लोग हॉट बिचुमन गर्म लोक को गर्म करने के बाद उसको लगाया करते थे, जिससे उसके अंदर मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया करते थे, जिससे आग लगने का डर होता था, फिर वो लगाते लगाते खुश्क हो जाती थी। तो अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड ने इंतहाई लेटेस्ट यहाँ बिचुमन अमल्शन का प्लांट पाकिस्तान में 2013 में लगाया और ये प्रोडक्ट इंतहाई कामयाबी के साथ पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही है। इसको किसी भी सीमेंटिशियस स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये सीवरेज पाइपलाइन है, सीवरेज नाले हैं या ब्रिजेस की पाइलिंग हैं, इनके ऊपर, सब के ऊपर, बड़े कंट्रैक्टर NHA के प्रोजेक्ट्स के ऊपर या दूसरे ये वासा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर बिचुमन अमल्शन को रिकमेंड किया जाता है। और हमारी ये रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है, इसके अंदर पॉलीमर्स ऐड किए जाते हैं जो कि इसको इंतहाई ड्यूरेबल बनाते हैं। आम जो बिचुमन है, जो पानी के साथ जो अमल्शन बनाया जाता है, वो आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद उतर जाएगा और साल के बाद ऐसे लगेगा जैसे ये लगा ही नहीं। लेकिन अल्ट्रा बिचुमन अमल्शन लगाने के बाद ये ड्यूरेबल है, यानी आपको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करेगा। ये इंतहाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और ज़्यादा अरसे तक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मज़ीद मालूमात के लिए अल्ट्रा कंपनी के नुमाइंदे हर पाकिस्तान के छोटे बड़े शहर में आपके करीब दस्तयाब हैं। आप उनसे रابطہ कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के हेड ऑफिस से रابطہ करना चाहते हैं तो हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है। टेलीफोन नंबर मोबाइल पे ऊपर 0321-4711-816, PTCL 0423544-5668 पर 9 से 5 बजे तक आप रابطہ कर सकते हैं। इतवार को छुट्टी होती है। इंशाल्लाह मज़ीद नई प्रोडक्ट्स के साथ दोबारा हाज़र होंगे। CEO अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नजमुल हसन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।